बोलिए सदगुरुदेव की। ऐसी आवाज की पंडाल से बाहर भी आवाज नहीं जा सकी। जरा जोर से बोलो, बोलो सदगुरुदेव की, संत समाज की, इस ज्ञान यज्ञ की, समस्त श्रोताओं की, सदगुरु कबीर साहेब की, पूजनीय संत समाज, उपस्थित श्रद्धाल बंधु, माताओं एवं देवियों, ये बड़ा सुअवसर है कि इस ग्राम मदनपुर में संत समाज रूपी तीर्थ का उतरना हो गया। कहा जाता है जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासु, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। जहाँ संत हैं वहाँ तीर्थ है, जहाँ पर राम है वहाँ पर अयोध्या है। तुलसीदास जी ने कहा, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। एक तीर्थ ऐसा होता है जो अपनी जगह अचल रहता है, और एक तीर्थ ऐसा है जंगम तीर्थ, चलता है फिरता हुआ, एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश, एक दूसरे एक देश से एक प्रांत से दूसरे प्रांत चला जाता है। यह जंगम तीर्थ इलाहाबाद, अयोध्या और बिहार के विभिन्न स्थलों से संत महात्मा यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। सबै सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। यह तीर्थ सबको सुलभ है, सब दिन और सब देशों में। इलाहाबाद, अयोध्या, हरिद्वार इत्यादि जो तीर्थ माने गए हैं, उस समय समय पर वहाँ पर मेला लगता है, लोग स्नान करने जाते हैं। परंतु इसके लिए कोई तिथि मिति नहीं है। जब संत और भक्त पुरुषार्थ करते हैं तभी ये तीर्थ सबको उपलब्ध हो जाता है। यहाँ के स्त्री और पुरुष, बालक वृद्ध, हिंदू और मुसलमान, सारे लोगों को ये तीर्थ उपलब्ध हो गया है। उस तीर्थ में जिनके पास धन है, स्वास्थ्य ठीक है, लक्ष्य है, ऐसे लोग उस तीर्थ से लाभ ले पाते हैं। पर इस तीर्थ से सभी लोग लाभ ले सकते हैं। तो यह संत समाज रूपी जंगम तीर्थ आप लोगों के सामने उपस्थित है, और इस तीर्थ में निवेदन करके अपना लाभ लें। इलाहाबाद, अयोध्या इत्यादि जो तीर्थ माने गए, वहाँ नदियाँ पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं। उन नदी में लोग स्नान करके और अपना पाप क्षय मानते हैं। लेकिन पाप वाप तो कुछ क्षय नहीं होता है, बल्कि ये कहा गया है, नदी नहाए सब कुछ पावे, ताल नहाए आधा, अब कुआं नहाए कुछ न पावे, घर नहाए बाधा। नदी में नहाओ तो क्या मिलेगा? सब कुछ, जितना मैला कुचैला और गंदगी सब नदी में बह करके आती है। आप जानते हैं 700 किलोमीटर इलाहाबाद से दिल्ली होगा, और दिल्ली से वो जमुना जी गुजरती है, आगरा होते हुए आती है, उसमें जितने गंदे नाले गिराए गए हैं उसका पानी का हरापन इलाहाबाद तक के नहीं जाता है। इलाहाबाद में जहाँ अयोध्या, इन इलाहाबाद में गंगा और जमुना का जहाँ संगम है, तहाँ दोनों नदियों का वो पानी का हरापन है, वो गंदगी उसमें सब है। तो नदी नहाए तो सब कुछ पावे, सब कुछ मिल जाएगा, और तालाब में नहाओ तो सिवाने भर की गंदगी मिलेगी आपको, और घर में नहाओगे कुआं का पानी है, नल का पानी, उसमें तो कोई गंदगी नहीं, शुद्ध पानी, और पानी भर करके लाओगे घर पे तो बाधा लगेगा। लेकिन लोग सोचते हैं नदी में नहाने सारा पुण्य मिल जाएगा। अरे बक्से के अंदर कपड़ा भर दो रिन साबुन से, खूब बक्से को धो तो कपड़ा साफ हो जाएगा क्या? तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, और पाप वही मनमद बिकारा। शोर सत्संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नाशन लागे नबारा। व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागो, और व्रत सब झूठ पसारा। और पूजा वही जो कि चेतन पूजत, भक्त वही गुरु प्रेम ने टारा। तीर्थ कौन है जो तार दे, छत्तीसगढ़ की भाषा है तीर दे, तीर दे मतलब किनारे लगा दे, पार कर दे। जो पार कर दे वो तीर्थ, वो कौन सा तीर्थ है? ये सत्संग रूपी तीर्थ। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होय पिक बकोह मराला। मज्जन का फल तत्काल मिलता है, कौआ कोयल बन जाता है, बकुला हंस बन जाता है, ये तीर्थ का प्रभाव। एक बार 2-3 साल पूर्व की बात होगी, मैं छत्तीसगढ़ से आ रहा था, श्री परीक्षा साहब बहुत आग्रह किए कि नैब की बार आना है इलाहाबाद अयोध्या, गाड़ी वहीं छोड़ दिया छत्तीसगढ़ में।
बाई ट्रेन से आ रहा था। एक मुसलमान बैंक का मैनेजर था, बैठा था, वो पान खूब खाता था। उसका लड़का जो है बैठा था सामने। जब सुबह फ्रेश होकर के बैठे तो दो पुड़िया गुटखा की निकाला, तीन तीन रुपये की पुड़िया थी, दोनों फांक लिए एक साथ में। हमने कहा क्या करते हो? कहा कुछ नहीं। कितना पढ़े हो? कहा BSc। नाम क्या है? कहा इमरान। हमने कहा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो? कहा मैं जाता हूँ। मैंने कहा मस्जिद में भी गुटखा खाते हो क्या? कहा वहाँ तो गुटखा नहीं खाते। मैंने कहा मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाका है, पर काहू का दिल मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। इसको मानते ना? कहा मानता हूँ। मंदिर में तो बुद्ध धरे हैं, महाजी सुन सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई है। इस खुदा के नूर को मानते हो? कहा मैं मानता हूँ। कहा आदमी ने मस्जिद को बनाया, आदमी ने मंदिर को बनाया, मंदिर और मस्जिद को बनाने वाला कौन है? इंसान। और जिस्म को किसने बनाया? रब्बे आलम ने। गढ़ी है प्रभु ने अपने हाथों से, 9 महीने में बना के सुंदर मूर्ति बैठा है आप सीने में, न कोई पूजता उसको लगे मृगजल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्के मदीने में। जिस प्रभु ने शरीर का निर्माण किया और सीने के अंदर विराजमान है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो ये मंदिर देहो देवालय है, प्रवक्ता है, केवला है, जीवा है, सह शिवा। ये देह देवालय है, शिव स्वरूप आत्मा विद्यमान है। जब शरीर से शिव निकल जाए तो शरीर क्या हो जाता है? सौ सौ नाम मुर्दा। जब तक शरीर में शिव है तब तक शरीर सत्यम शिवम सुंदरम भासता है, तो ये शिव का देवालय है। अथवा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत्, हे अर्जुन ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित। कहाँ हृदय? तो खुदा का नूर दिल के अंदर में है, या भगवान को दिल के अंदर में है। मंदिर में तो मूर्ति रखी हुई, मस्जिद और साफ सुथरा है, लेकिन जो असली भगवान कहा जाए, खुदा कहा जाए, तो दिल के अंदर में है। और इसके दरवाजा को तुम गंदा करते हो, क्या तुम्हारी नमाज जायज होगी? पढ़ा लिखा लड़का था, समझ गया, कहा नहीं जायज होगी। तो हमने कहा फिर कहा अब गुटखा मैं नहीं खाऊंगा। हमने कहा कितना गुटखा खा जाते हो? कहा करीब 90 रुपये का रोज गुटखा खा जाते हैं। अरे 6 रुपया एक साथ फांक लिया वो, और दिन रात में कितना खाता रहा? मोबाइल पर जोड़ करके बताया कि 30,000 रुपया का साल में हमारा गुटखा में ख़त्म हो जाता है। कहा फिर खाओगे कि नहीं? कहा अब नहीं खाएंगे। हम कहा कुल्ला करके आओ, कुल्ला करके आओ के बैठा। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। शोहवते असर होता है। राम ने भी कहा प्रथम भक्त संतन कर संगा। पहली भक्ति किसकी है? संतों की संगत करना पहली भक्त बतलाई गई है, क्योंकि संत महात्मा जो है परमात्मा है, परमात्मा परम आत्मा है। लोग कहते हैं कबीर पंथी ईश्वर नहीं मानते, मूर्ति नहीं मानते, तीर्थ नहीं मानते, राम नहीं मानते। सदगुरु कबीर साहब ने 170 बार बीजक में राम शब्द प्रयोग किया है। कबीर पंथी हृदय निवासी राम को मानते हैं, मूर्ति को मानते हैं। एक बार मेरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में चल रहा था, आज से करीब 45 वर्ष पूर्व की बात होगी। लोग कहें कबीरपंथी नास्तिक होते हैं, राम नहीं मानते, मूर्ति नहीं मानते, तीर्थ नहीं मानते। हमने कहा भाई सबकी मान्यता भिन्न भिन्न है, क्योंकि भगवान मनुष्य की फैक्ट्री में बनता है, भगवान की फैक्ट्री में आदमी नहीं बनता है। ध्यान देकर सुनो, तो भैया क्या करो अभी? मनुष्य की फैक्ट्री में भगवान बनता है, और भगवान की फैक्ट्री में आदमी नहीं बनता है। ये सदगुरु कबीर विचार मंच है, थोड़ा विचार करो और करो विचार तो सब दुख जाए, परिहर झूठा केर सगाई, कबीर साहब ने कहा है। विचार को तो सब दुख जाएगा, और आदमी विचार में होता है। आदमी का आकार है लेकिन विचार नहीं है, आदमी की आकृति है लेकिन प्रकृति नहीं है, आदमी की शकल है लेकिन आदमी की अकल नहीं है। मानस मानस सबे कहा है, मानस भी कोई बिल्ला पावे। हमने कहा विचार करो। सदगुरु कबीर देव ने कहा है, काजी तुम कौन कितेब बखानी, झंकत बकत रहा निश्वासन मत एको नहीं जाने, सख्त अनुमाने सुनत करत हो मैंने बदोगा भाई, जो खुदा है तेरी सुनत करत हो आप ही कट क्यों नाई, सुनत कराए तुर्क जो हो ना औरत को क्या कहिए, अर्थ शरीरी नार बखानी ताते हिंदू रही है। कबीर साहब का कितना पैना तर्क, किस प्रकार से तर्क दिया है कबीर साहब ने। कबीर साहब ने कहा ए मुसलमान भाई तुम कौन किताब की बात करते हो, अल्लाह ताला ने सारे अंग प्रत्यंग का निर्माण कर दिया, आँख बना दिया, कान नाक बना दिया, तो क्या पेशाब की खाल काटने को भूल गया?
अगर भूल गया तो अब कह दो या खुदा अल्लाह ताला परवरदिगार जो बच्चे पैदा किया करे उसका सुन्नत करके भेज दे। लेकिन आज तक विश्व में किसी मुसलमान के बच्चे की सुन्नत हुई है? तो कबीर साहब ने कहा तुम पुरुष वर्ग को तो सुन्नत कर दिया, उसको मुसलमान बना दिया, और नारी वर्ग को तो वो तो हिंदू ही रह जाती है, नारी की सुन्नत नहीं होती है, तो तुम आधे मुसलमान पूरे मुसलमान नहीं। तब हिंदुओं ने कहा वाह कबीर ने बड़ा अच्छा कहा। पर कबीर साहब ने छोड़ा नहीं हिंदुओं को, बरणा नाम ब्राह्मणों गुरु, सभी वर्णों के ब्राह्मण गुरु कहे जाते हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कार द्विजुचते, जब जन्म देते तब सब शूद्र होते हैं, अब यज्ञोपवीत जब धारण करते हैं तब द्विज कहलाते हैं, दोबारा जन्म होता है। तो ब्राह्मणी को जनेऊ नहीं पहनाया जाता, ब्राह्मण को जनेऊ पहनाया जाता है। तो कहा ब्राह्मणी शूद्रिन रह गई, यानी तुम्हारी पत्नी शूद्रिन रह गई और तुम ब्राह्मण बन गए। और यहाँ पर जहाँ दीक्षा दिया जाता है तो स्त्री पुरुष दोनों को माला दिया था, दोनों द्विज होते हैं, द्विज नाम दोबारा जन्म होता है। तो कबीर साहब का प्रश्नवाचक चिन्ह है कि तुम तो यज्ञोपवीत धारण करके ब्राह्मण बन गए, लेकिन नारी को क्या पहनाया, वो शूद्रिन रह गई, और भोजन बनाकर देती है शूद्रिन का बनाया भोजन करते हो तो पूरे ब्राह्मण कहाँ हुए। कबीर साहब और कहते हैं जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे न आया, जो तू त्रुक त्रुकनी को जाया पेटे काहे सुनत कराया, है इसका कोई उत्तर किसी के पास? अगर तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी से पैदा हुए तो दूसरे द्वार से क्यों नहीं पैदा हुए? अगर मुसलमान मुसलमानी से पैदा हो तो सुनत करा कर क्यों नहीं आए? इस प्रश्नवाचक चिन्ह का किसी के पास उत्तर नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है तथाकथित कोई खुदा या गाड़ भगवान मनुष्य को बना करके नहीं भेजता है, बल्कि मनुष्य भगवान को बना लेता है। मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह के खुदा के राह में गाय भेड़ा और ऊँट की कुर्बानी करो तो खुश हो जाएगा, लेकिन सुअर को नापाक कहा। ईसाई लोग क्या कहते हैं, हमारा परमात्मा गाय सुअर दोनों पसंद करता है, गाय सुअर की चर्बी को हवन को तो सूंघकर खुश हो जाएगा, उसका परमात्मा गाय सुअर पसंद करता है। और हिंदू कहता है मेरा भगवान हलवा मालपू घी दूध से खुश होता है। तो हिंदू लोग सात्विकी वस्तुओं से भोग लगाते हैं, और ये भी आप जरा विचार करो सबका मालिक एक है तो सबके यहाँ भोजन भी एक समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब हम 15 प्रांत में जाते हैं लेकिन कहीं चाय तक नहीं पीते, अब हम कहीं चाय पिए कहीं नहीं पिए तो ऐसा तो है नहीं। अगर कहीं भगवान है, कहीं गाय भेड़ा ऊँट पसंद करता है, कहीं गाय सुअर पसंद करता है, कहीं हलवा मालपुआ पसंद करता है, तो आदमी जैसा होता है उसी प्रकार से भगवान बना लेता है। आदमी जैसा होता है वैसे देवी और देवता का निर्माण कर लेता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपकी दुर्गा काली लक्ष्मी शाकाहारी होगी, अगर मांसाहारी होंगे तो आपकी दुर्गा काली बकरा भैंसा भी खाएगी। तो ये देवी दुर्गा कहीं भैंसा बकरा नहीं मानते हैं, आदमी ही गुल गड़बड़ करता है, आदमी के दिमाग को ठीक करने की आवश्यकता है। और यहाँ जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, चंदा या सहयोग लेकर के लोग कर रहे हैं, दूर दूर से संत महात्मा उसको बुलाए हैं कि संत महात्मा आकर के आपका वो अपने विचार दें और आपके विवेक की आँख खुल जाए, क्योंकि बिन सत्संग विवेक नहीं हुई। एक बार थोड़ा और ध्यान दें, सत्संग को लोग जो है मतसंग में बांध दिया है, कहते हैं किनका सत्संग हो रहा है, कबीर मत का सत्संग हो रहा है। थोड़ी ये बात का जरा गौर से सुनना, कुछ लोग कह रहे हैं संत मत का सत्संग हो रहा है, इस्लामी मत का सत्संग हो रहा है, ईसाई मत का सत्संग हो रहा है। आप ये बताओ बाजार में जाओ कहो कि हम कबीर पंथी चावल लेंगे तो मिलेगा कबीर पंथी चावल, फल मिलेगा सब्जी मिलेगी कबीर पंथी? कोई कहे हम संत मत के हैं तो हम संत मत का सेव लेंगे या इस्लामी मत का हम सेव लेंगे तो मिलेगा कहीं पर? लेकिन सत्संग मत का हो जाता है, कहे कबीर पंथी सत्संग है, ये रामानंदी का सत्संग है, ये जो है संत मत का सत्संग है, तो मन में घृणा पैदा हो जाती है, हमारा सत्संग नहीं है। सज्जनों कभी ज्ञान का लाभ ले सकते हो, दो दो पांच होता है कि दो दो चार होता है, जहाँ निर्णय होता है उसको कहते हैं सत्संग, ये कोई मतसंग नहीं है सत्संग है। और सत्संग के द्वारा विवेक की आँख खुलती है। घट में है सूझे नहीं नालत ऐसे जिंद, तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिंद, पूरे संसार को मोतिया बिंद हो गया है। और मोतिया बिंद का ऑपरेशन जो योग डॉक्टर के द्वारा होता है तो आँख बन जाती है, अगर अयोग डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन हुआ तो वो भी आँख चौपट हो जाती है। वही दशा होती है हम लोगों की, गुरु के शरण में जाते हैं और जिस प्रकार के गुरु मिल गए, संप्रदायिक गुरु मिल गए, बस वहाँ पर विवेक की आँख को फोड़ दिया। कुछ गुरु लोग ऐसा कहते हैं जो कहते हैं मांस खाओ मछली खाओ शराब पियो कुछ भी खाओ, लेकिन तुम गुरु के शरण में आ गए तो सम्मुक्त हो जाओगे,
कुछ भी खाइए पीजिए। अरे बैल बकरी घोड़ा गधा कभी मछली मांस अंडा नहीं खाते हैं और कभी गुरुमुख नहीं हुए हैं, और मनुष्य होकर के अगर गलत आहार विहार करते हो तो क्या आप मनुष्य हैं? मनुष्य का आकार है पर मनुष्य का विचार नहीं। अब आइए विचार कीजिए, तो ये भगवान या देवी देवता को बनाने वाला इंसान है, भगवान के घर को बनाने वाला इंसान है, गिरजाघर मस्जिद और जो है मंदिर गुरुद्वारा कौन बनाता है? आदमी बनाता है, और आदमी बना करके उसके लिए लड़ाई करता है। आज तक दुनिया में जितने जानवर हैं, बैल बकरी घोड़ा गधा कौआ गिद्ध या कोई जंगली जानवर, कोई भगवान का निर्माण किया है कि देवी देवता का निर्माण किया है? आदमी बुद्धिशील प्राणी है तो ये अपने अनुसार देवी देवता का निर्माण करके उसके सामने बकरा भैंसा काट करके मांस दिखाता है। सजनों, आदमी को सुधार करना है। एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चढ़, आदमी जब आदमी बन जाएगा। क्या हम आदमी हैं? आदमी का आकार है लेकिन विचार नहीं है। आदमी की शकल है पर आदमी की अकल नहीं है, आदमी की जो है बुद्धि नहीं हमारे पास। ये आदमी की बुद्धि हो, इस बुद्धि का सद्बुद्धि का निर्माण हो, इसलिए सत्संग में आना होता है और ये सत्संग का आयोजन किया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि है कि ये देवी देवता का निर्माण करने वाला आदमी है, भगवान को बनाने वाला आदमी है। अगर आदमी ठीक हो जाता है तो समझो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, पर आदमी को ठीक होना है। आदमी जो है पहले ये हम लोगों को विचार करना है सत्संग में आ करके, मैं कौन हूँ, हु एम आई। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, बिना कॉलेज के नॉलेज नहीं होता है। और इस कॉलेज में एडमिशन कराओ, लेकिन ध्यान रखना गुरु ठीक हो जो मार्गदर्शन ठीक से करा सके। मैं कौन हूँ इसका ज्ञान होना चाहिए। आदमी बतलाता है, मैं अपना नाम भी बतलाता है, घर बतलाता है, शरीर बतलाता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ और मेरा क्या है? मेरा नाम है, मैं नाम नहीं। मैं एक बार रायबरेली जिले में था, एक प्रिंसिपल साहब सेवा प्रिंसिपल साहब थे, उनसे पूछा आप कौन हैं? कहे महाराज मैं मनुष्य हूँ। हमने कहा किसी ड्राइवर से पूछो आप कौन है, ड्राइवर कह रहे मैं गाड़ी हूँ, तो उत्तर सही होगा? कहा उत्तर गलत होगा। फिर उनको जब समझाया, कहा महाराज ये हमारे लिए ए बी सी डी के समान है। हमने कहा बात सही कहते हो, कोई बी ए एम ए एल एल बी के छात्र से कह दिया जाए अलिफ बे पे ते टे से कैसे लिखा जाता है तो उर्दू नहीं लिख सकता है, क्योंकि उर्दू पढ़ा ही नहीं, उर्दू का छात्र होगा सब लिख देगा। इसी प्रकार से ये आपके लिए ए बी सी डी के समान है, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। हर व्यक्ति को मेरा का ज्ञान है, और मेरा का ज्ञान हर माँ बाप ने कराया है। जब बच्चा जन्म लेता है, लड़का है कि लड़की है, चिन्ह को देख अगर लड़की है तो उसका नाक कान छेद दिया जाता है। क्या आप लोगों का पुरुषों का भी नाक कान छेदा गया? लड़की को आभूषण पहनना है, और कहीं कहीं नारियाँ जो चार चार फुटा नाक में लगाते, चार फुटा दाएं बाएं नीचे घंटी लटकते रहते और नाक के ऊपर भी छेदा लेती। अब छोटी सी नाक, उसमें कितना सोना पहनना चाहती है, कान में हाथ पे पैर में सब पहना जाता है। तो नारी है तो उसको जो है सिखाया गया प्रैक्टिकली रूप में सब सिखाया गया, लड़का है तो उसको उसका समझाया जाता है। लेकिन किसी माँ बाप ने ये बताया कि बेटा या बेटी तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शरीर में बोलने वाले तुम सत्य हो, ये किसी ने नहीं बताया। लेकिन ये ज्ञान होना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर मेरा है, शरीर निर्मित है, पंचभौतिक मिट्टी पानी आग हवा आकाश का बना हुआ शरीर है। जो चीज़ बनता है वो बिगड़ता भी है, ये जो है प्रकृति शरीर को गला रही है। बच्चा गर्भ में आता है, फिर पिंड बनता है, फिर जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, शादी विवाह करता है, बाल बच्चे होते हैं, जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, अंत में मर जाता है। प्रकृति शरीर को गला रही है, लेकिन मन मजबूत होता है। मन मजबूत बन रहा है तो मन को साधना के द्वारा गलाने की आवश्यकता है। ये सत्संग का आयोजन जो किया गया है कि मन की हम साधना कैसे करें, भी समय समय से संतों के द्वारा आप सुनेंगे। तो कहने मतलब ये शरीर परिवर्तनशील है, शरीर में एक परिवर्तन हो रहा है और चेतन अपरिवर्तनीय है। अगर कहा जाए कि आप कौन है तो लोग नाम बताते, तो नाम तो मेरा है, मैं नाम नहीं। मेरा मैं सर्वथा अलग अलग होता है, जैसे मेरा चश्मा, मेरा हाथ, मेरी आँख, मेरा कान, मेरा पैर, पूरा बॉडी मेरा है, मैं नहीं। घर के जितनी वस्तुएं हैं, कुर्सी है, टेबल है, बिस्तर है, या जो सामान है सब मेरा है, मैं नहीं। तो मैं हूँ कौन, इस पर ध्यान है। किसी से कह दिया जाए 1,00,000 रुपया ले लो, एक आँख बेच दो, कोई आँख बेचने के लिए तैयार है क्या? आँख नहीं बेचेगा।
5 लाख रुपया में किडनी दे दो तो कोई किडनी नहीं दे सकता है। वैज्ञानिकों ने शरीर का मूल्यांकन किया है, 2 अरब 20 करोड़ रुपए का शरीर बिक सकता है। 2 अरब 20 करोड़ रुपए का ये शरीर बिक सकता है। इसका मूल्य कब तक है? जब तक मैं तत्व विद्वान है। किसको? जिसको जीव कहते हैं या आत्मा कहते हैं। अगरचे शरीर में आँख न रह जाए तो जीवन रहेगा, हाथ कट जाए पैर कट जाए तो जीवन रहेगा, धन न हो स्त्री न हो स्त्री के लिए पति न हो बेटा न हो मकान न हो जमीन हो तो भी जीवन रहेगा, पढ़ा लिखा विद्वान हो धन धान से परिपूर्ण हो सर्वांगीण सुंदर शरीर हो, लेकिन मात्र जीव न रह जाए तो रहेगा जीवन? क्या नहीं रह सकता है। अब उस तत्व को हम नहीं समझ पाते हैं। आँख में कोई गड़बड़ी आ जाए तो हम हजारों लाखों रुपये खर्च करते हैं, शरीर में कोई बीमारी आ जाए उसी के लिए हम तमाम पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को हमने कभी समझा है? अपने आप का कभी सुधार किया है? ये सुधार को, यही सत्य तत्व है। इसी के संग का नाम सत्संग होता है, जहाँ इसकी चर्चा होती है वह सत्संग कहलाता है। तो मैं कौन हूँ? मैं वही बोलने वाला आत्मा हूँ, वो सर्वोपर तत्व है। तो जीवन की परिभाषा क्या है? 2 तत्वों का संगम जीवन कहलाता है, शरीर और आत्मा। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। विनाशी शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं, जैसे ड्राइवर और गाड़ी, गाड़ी की खुराक अलग है और ड्राइवर की खुराक अलग है। अगर तेल शॉर्टेज हो जाए तो उसमें बिस्कुट या जलपान डाल के नहीं चलाया जा सकता है, और कहीं ड्राइवर को जलपान नहीं मिल पाए भोजन नहीं मिल पाए तो तेल पी करके रह सकता है। इसलिए इस समय में 102 रुपया यानी 103 रुपया के लगभग लीटर डीजल चलता है। अब वो तेल पीकर नहीं चल सकता है, क्योंकि दोनों की खुराकें भिन्न भिन्न है। तद्वत इस शरीर की खुराक और आत्मा की खुराक, दोनों की खुराकें अलग अलग हैं। शरीर की खुराक का तो ज्ञान है, भोजन वस्त्र निर्वाह की चीज़ों का ज्ञान सबको है, प्रत्येक नर नारी को है, लेकिन अपने आप का ज्ञान नहीं। अपनी आप की खुराक क्या है? शरीर की खुराक और आत्मा की खुराक भजन है। भोजन और भजन दोनों की जरूरत है। अब भजन क्या है? कबीर साहब के शब्दों में, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन वाणी और कर्म तीनों की निर्मलता ये भजन है, बुराइयों को त्याग करना ये भजन है। और जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता, अपने आप का बोध हो जाता है, तो आत्मचिंतन स्वरूप चिंतन कर ये जो है भजन है। अब इसके लिए जो है भोजन और भजन दोनों की आवश्यकता है। आप भोजन के ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल में जाते हैं, अपने बच्ची बच्चा का नाम लिखाते हैं और वहाँ भौतिक विद्या पढ़वाते हैं, लेकिन भजन के ज्ञान के लिए कभी गुरु के पास बच्चे बच्चियों को भेजा नहीं भेजा गया। कितने हैं लड़की है, कहते हैं लड़की दूसरे घर जाएगी, उसको दीक्षा नहीं दिलवाना है। लड़का है, अभी बच्चा है, जब कुसंग में पड़ करके नशा व्यसन सेवन करने लगता है, गलत काम करने लगता है, तब कहते हैं कि हमारा बेटा बात नहीं मानता, क्योंकि संग का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। मांसाहारी संगत में अगर गाय भैंस बकरी हो तो मांस नहीं खा सकती। कुत्ता बिल्ली किसी आश्रम पर होगा तो शाकाहारी नहीं बन सकता है, उनका प्राकृतिक जीवन होता है। पर आदमी गलत संगत में पड़ करके गलत चीज़ सेवन करने लग जाता है, और अच्छी संगत पड़ करके उसका जीवन सुधर जाता है। सज्जनों, संग का प्रभाव जीवन में पड़ता है, इसलिए कवि साहब ने कहा संगत कीजिए साधु की, साधु की संगत करो। लेकिन कौन साधु? वेशधारी साधु नहीं, एक साधु था करताई दास, करतार बजा बजा कर नाचता था, राम 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 कहता था, भजन नहीं करता था, और वो गांजा पीता था और भांग खाता था, और नवयोग साधु था, और एक आश्रम पर उसको रख दिया। उसके संपर्क में आकर कई लोग गांजा और भांग खाना सीख गए। हम उस गांव में जब पहुंचे, कहे यहाँ साहब बहुत गंजड़ी और भंगड़ी हो गए हैं। कहा कैसे हो गए? कहा यहाँ पर एक साधु आश्रम पर रहता है, उसी के संपर्क में बहुत लोग गंजड़ी भंगड़ी बन गए। हम कहा ऐसे साधु को उस आश्रम पर रखना बहुत बड़ा अपराध है। हमारे संपर्क में आकर हजारों की संख्या में लोगों ने मछली मांस अंडा बीड़ी तंबाकू जाता पान छोड़ने का संकल्प लिया। कितने चोर लोग चोरी करना छोड़ दिया, कितने डाकू लोग डाका डालना छोड़ दिया। जो सुधरा होता उसके संपर्क में आकर के लोग सुधरते हैं। तो जब सुधरा होगा साधु तो समाज का सुधार करेगा, और बिगड़ा होगा तो बिगड़ी घड़ी बन करके समाज को धोखा देता है। इसलिए सज्जनों, साधु की भी की परख करिए आप। कबीर साहब ने कहा हंस बक देखा एक रंग चरे हरियरे ताल, हंस चीरते जानिए बकुल धरेंगे काल। हंस और बकुला एक हरे भरे तालाब में चर रहे हैं, लेकिन पहचान कैसे होगी? दोनों का रंग तो एक प्रकार के है, लेकिन हंस जो होता है दूध पानी को अलग अलग कर देता है, और बकुला मछली पकड़ता है। और इसके बाद और भी कह दिया कि चरण चोंच लोजन रंगे, चले मर्याली चाल तब कैसे परखोगे।
चोंच को रंग ले, जैसे बकुला की चोंच काली होती है और पैर काला होता है, हंस के चोंच लाल होती है और पैर का लाल होता है। अगर बकुला का सफ़ेद रंग तो है ही और चोंच को भी रंग ले और पैर को रंग ले और हंस के शरीर का वो चाल चले तो कैसे परखोगे? तो नीर शीर निर्णय समय बकु ग्रत ही काल। जब जड़ चेतन का निर्णय की बात आएगी तब पता चलेगा ये बकुला है कि हंस है। सत्य और असत्य का निर्णय ये विवेक कहलाता है। हंस ये जीव को हंस कहा गया है क्योंकि ये सत्य असत्य को अलग अलग करने वाला है, इसलिए जीव को हंस कहा गया है। तो हंस जो संत हैं वे सत्य असत्य का निर्णय कर सकते हैं। प्रकृति और पुरुष का निर्णय होना चाहिए और जब तक जड़ चेतन का सम्यक बोध नहीं होगा तब तक भैया साधना और भजन ध्यान अभ्यास कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब का महत्व है। सद्गुरु कबीर साहब पारख के आदि शोधक कहे गए हैं। पारख का आविष्कार सद्गुरु कबीर देव ने किया है। कुछ विद्वान लोगों ने कोई चीज का आविष्कार किया है, बिजली का, रेडियो का, मोबाइल इत्यादि का, उसका श्रेय उनको मिला है। तो ऐसे सद्गुरु कबीर को अध्यात्म वैज्ञानिक हैं, उनको श्रेय पारख दर्शन का उन्होंने आविष्कार किया है। जैसा जड़ और चेतन का निर्णय करके वो अलग अलग ही रखा है, इसलिए पारख सिद्धांत की बहु विशेषता है। तो कबीर साहब ने कहा, परख लियो खरा खोट हो रमैया राम, हे रमैया राम खरा क्या और खोटा है क्या इसको परख लो, सत्य क्या है और असत्य क्या है इसको परख लो। झूठ साँझ का ज्ञान होना चाहिए, इसको कहते हैं विवेक ज्ञान, और वही भीतर की आँख है। और भीतर की आँख नहीं होने के कारण से मंदिर में जाके हम लोग प्रार्थना करें, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें, अब ये नहीं समझते हो मिट्टी है या पत्थर है या पेड़ पौधा, उसके सामने तुम कहते हो माता हो पिता हो, ये माताओं ने जो जन्म दिया है इनको इनके सामने हाथ नहीं जोड़ पाते, पिताजी ने जन्म दिया उनके सामने हाथ नहीं जोड़ पाते और कहते हो तुम माता हो तुम पिता हो। सज्जनों इस पर चर्चाएं समय से होंगी। तो माता और पिता पूजनीय हैं, इनकी पूजा करो इनकी सेवा करो। ये विवेक की आँख जब खुल जाएगी तो ये सत्य है असत्य है झूठ है ये साँच है ये आपको ज्ञान होगा, और ये इसलिए सत्संग रखा गया है। सज्जनों ये दो दिन का कार्यक्रम है, सुबह का कार्यक्रम तो शायद नहीं हो पाया, भीड़ जो है संत महात्मा भी दूर से आया और यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाई, और इस समय सत्र चल रहा है। और अभी आप लोग महापुरुषों के विचारों से लाभ लेंगे और कल भी लाभ लेंगे, लेकिन ध्यान रखना जीव ने कमाना खाना हमेशा लगा हुआ है, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, जो ये अवसर मिला है इसका हम लोगों को सदुपयोग करना है। तो अब ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, और भी संत लोग कहने वाले हैं, मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु देव की जय।